व्हाट्सअप यूट्यूब दिस इज चंदन सिंह, स्वागत है आपका अपने चैनल मेंस फैशन हब पे। दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हमारी मेंस की स्किन के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा आज का टॉपिक मेंस, इंडियन मेंस के लिए बहुत ज्यादा डिमांडिंग रहता है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी स्किन को विंटर में ड्राई होने से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ड्राई स्किन केवल लड़कियों में ही नहीं होती है, हम मेंस को भी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम विंटर्स में होती है। तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जानिए कि आप अपनी ड्राई स्किन को विंटर में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। करने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप हमारी अपकमिंग वीडियोस को सबसे पहले और सबसे जल्दी देख सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। विंटर में दोस्तों अगर हम अपने फेस या स्किन को ड्राई होने से बचाना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई सनस्क्रीन यूज करनी पड़ेगी। और दोस्तों हम विंटर में ज्यादा से ज्यादा सनलाइट में ही रहते हैं, जिससे कि हमारी स्किन या हमारा फेस ड्राई होने लगता है। तो मैं जो सनस्क्रीन यूज करता हूँ वो है न्यूट्रोगेन की अल्ट्रा शेयर सनब्लॉक क्रीम। ये क्रीम मैंने इंटरनेट से ऑनलाइन परचेज की थी। इस क्रीम का रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट करा। मैं इस क्रीम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो क्रीम है वो हमें यूवी रेस से भी प्रोटेक्ट करती है, इसलिए हमें विंटर्स में अपनी स्किन को अगर ड्राई होने से बचाना है तो कोई ना कोई सनस्क्रीन आप जरूर यूज करें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप समर सीजन में ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। अगर आपने अपने फेस का मॉइस्चर बरकरार रखना है, अपने फेस का मॉइस्चर बनाए रखना है, तो आपको एटलीस्ट विंटर में भी 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना ही चाहिए, जिससे कि आपके फेस का मॉइस्चर बना रहेगा। लेकिन मेरे भाई अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप उसी जगह पर कोई भी लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम यूज कर सकते हैं जो आपके फेस का मॉइस्चर बनाए रखेगी। मैं जो क्रीम यूज करता हूँ वो है निविया की लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम। ये क्रीम भी मैंने ऑनलाइन परचेज की थी, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। इस क्रीम के रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहते हैं और आप अपनी स्किन को ड्राई होने से या मॉइस्चर उसका बना रहे तो आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं। आप इस क्रीम को जरूर यूज करिएगा। अगर आप विंटर में बहुत ज्यादा सोप यूज करते हैं तो भाई मेरे इस पॉइंट को जरा ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगर आप विंटर में बहुत ज्यादा सोप यूज कर रहे हैं तो आप अपने फेस का एसेंशियल ऑयल भी लॉस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सोप यूज करना आपके फेस के लिए हार्मफुल रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसा आप बिल्कुल ना करें, एटलीस्ट एक बार से ज्यादा आप सोप को यूज ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो ये आपके एसेंशियल ऑयल को भी रिमूव कर देगा, जो आपके फेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर आप सोप की जगह अपने फेस को नॉर्मल वाटर से ही वॉश करना चाहते हैं तो 2 टाइम्स से ज्यादा वॉश मत करिएगा, तो आपके एसेंशियल ऑयल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने इतना ही करना है। सर्दियां आती हैं तो सबको गर्म पानी से ही नहाना होता है। अब मेरे भाई मैं ये नहीं बोलता कि आप गर्म पानी से मत नहाइए या फिर सर्दियों में आप ठंडे ही पानी से नहाइए। हाँ लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि ठंड में आप बहुत ज्यादा गर्म पानी से बिल्कुल मत नहाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बॉडी में जो कोल्ड के टेम्परेचर को डिफेंड करता है, ये गर्म पानी आपके उस कोल्ड टेम्परेचर को लॉस कर रहा होता है, जो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को और आपके फेस को ड्राई करता है। तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि आप वार्म वाटर का यूज करें, हॉट का नहीं। ध्यान दीजिएगा, वार्म वाटर, हॉट नहीं, जिससे कि आपकी स्किन ड्राई होने से प्रोटेक्ट हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आप अपनी स्किन को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं और इनमें से कौन कौन से टिप्स आपको अच्छे लगे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए। और हाँ,
मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है chandansingh_88। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू टिल नेक्स्ट टाइम।